नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंदू मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। पिछले कई कार्यक्रमों में आपने नगर पालिका परिषद नौतनवा, नगर पंचायत निचलौल और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की बात सुनी और उनके समस्याओं को जाना। आज के इस कार्यक्रम में हम हैं नगर पालिका परिषद महाराजगंज में और यहाँ के अध्यक्ष जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पैंडमिक के दौरान, जो चार साल के इस अपने कार्यकाल में जो सबसे विहड़ कार्यकाल एक तरह से कहा जाए तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, कोरोना संक्रमण के दौरान ढेर सारी चुनौतियां रहीं। ऐसी चुनौती जिसके बारे में न पहले से पूर्व कोई ज्ञान था, न किसी तरह का कोई अभ्यास और न ही कोई पहले से प्रिपरेशन इसके लिए किया जा सकता था। समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल इसमें समस्याएं उत्पन्न हुई और इन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। तो आज हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि कोरोना काल के दौरान नगर पालिका परिषद महाराजगंज की क्या समस्याएं रहीं और समस्याओं में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस समस्याओं का समाधान आपने ढूंढा। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, मेरे पर विश्वास किया और मैं प्रयास ये करता हूँ कि पूरे अपने नगरवासियों को, अपने संभ्रांत नागरिकों को, जितने भी नगर पालिका की सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने का प्रयास करता हूं। और अभी आपने जहां तक पूछा कि कोरोना के संकट काल में नगर पालिका की चुनौतियां क्या रहीं, तो चुनौतियां तो हमारे सामने बहुत कुछ रहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी शासन का निर्देश होता था हम लोग उसका अक्षर से पालन करवाते थे, पालन करते भी थे, पालन करवाते भी थे। और यहाँ का जो कोरोना का वातावरण, जो माहौल रहा, निश्चित तौर पे बहुत कठिन था वो, लेकिन फिर भी यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के लोगों ने डट करके उसका मुकाबला किया। और विशेष करके जब से मैं नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाला हूँ तब से सफाई अभियान जो है मेरा, मैं प्रयास करता हूँ कि पूरे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए और पूरा सफाई अभियान युद्ध स्तर पर मैं कराने का प्रयास करता हूँ, उसका भी उसमें देन है। और विशेष करके हमारे जो सफाई मित्र हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका विशेष सहयोग रहा है इस कोरोना संकट काल में। और नागरिकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि शासन और प्रशासन का जो भी निर्देश होता था उसको अक्षर से पालन लोग करने का प्रयास करते थे। कोरोना की चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती रही गरीब लोगों के अपने जीवन बसर की। नगर पालिका परिषद में ढेर सारे झुग्गी झोपड़ी टाइप के लोग भी रहते हैं जिनको सरकारी योजनाओं से आजकल सरकार आवास और बाकी सारी चीज़ें दे रही हैं, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या उनके समक्ष रोजगार की है। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ तो वो रोज़गार प्रभावित हुआ है। उससे निपटने के लिए और लोगों को इस मुहिम में बचाने के लिए कि उनके समक्ष किसी और तरह की समस्याएं न उत्पन्न हो, व्यक्तिगत तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक नेता के तौर पर किस तरह का काम आप लोगों ने किया? देखिए, जो आप बेरोजगारी की समस्या की बात बता रहे हैं, निश्चित तौर पर बेरोजगारी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेरोजगार वही व्यक्ति है जो काम नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, वही व्यक्ति बेरोजगार है जो काम नहीं करना चाह रहा है। नहीं तो रोजगार तो सबको सरकार उपलब्ध करा रही है, चाहे नरेगा के माध्यम से, चाहे रोजगार के माध्यम से, चाहे स्किल डेवलपमेंट इंडिया के माध्यम से, हर एक स्तर से सरकार ये प्रयास कर रही है कि उनका डेवलपमेंट किया जाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो सिर्फ जो है सरकार को ये कोसते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक प्रवासी श्रमिकों की बात है या जो श्रमिक खाने के बिना, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के संकट काल में, सरकार की ऐसी योजनाएं रही हैं, भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, मुफ्त में फ्री राशन मिल रहा है उनको, मुफ्त में उनको दवाई मिल रहा है, मुफ्त में इनका इलाज हो रहा है, डॉक्टर भी खूब बढ़िया से, जिस व्यक्ति को अपने परिवार के लोग ही छूने का काम नहीं करते थे वो भी संकट हम लोगों ने देखा है। और उस व्यक्ति को डॉक्टर हुए चाहे हमारे सफाई मित्र हुए, उनका सम्मान करते थे, अगर कोई न किसी का दुर्घटना घट जाती थी तो बाइज्जत उसको ले आकर के उनका जो है अंतिम संस्कार भी करने का काम डॉक्टर प्लस सफाई कर्मचारी प्लस उनके परिवार जन के लोग करते थे।
मेरा सवाल बस आपसे इतना सा था कि जो लोग पटरी व्यवसायी हैं, पटरियों पे काम करते हैं या फिर जिनका रोजगार नगर पालिका परिषद के इर्द गिर्द घूमता है, उनके समक्ष कोरोना काल में किस तरह की समस्याएं थी, उनको उनके समाधान के लिए आप लोगों ने किस तरह का प्रयास किया? देखिए, पटरी व्यवसायियों के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चला रखा था, सभी को पटरी व्यवसायियों को जो है उनका 1,000 रुपया जो है महीना दिया जाता रहा, और मुझे लगता है कि 6-7 महीना लगातार दिया गया उनके जीव कार्पाजन के लिए, बाकी मुफ्त अनाज उनको मिल ही रहा है। अब इसके बाद क्या चाहिए? नगर पालिका परिषद बड़ा परिक्षेत्र होता है और महाराजगंज जैसा नगर पालिका परिषद जहाँ छोटे मध्यम और बड़े व्यवसायी भी हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी भी हैं जिनके समक्ष लोन की समस्या रही, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जिनका व्यवसाय इस पूरे कोरोना काल में बंद रहा, तो व्यापार परिषद और बाकी तरह के लोग भी आपके पास एज ए जनप्रतिनिधि आते होंगे और आपसे अपनी समस्याएं बताते होंगे, इनके लिए सरकार ने कौन से काम किया? देखिए, समय समय पर सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, चाहे मुद्रा लोन का मामला हो, चाहे अभी माननीय योगी जी ने एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू किया है 10,000 रुपये तक का, तो इससे लेकर के लोन लेकर के काम करते रहे हैं, उसका लाभ मिलता रहा उनको, ऐसा नहीं उनको लाभ नहीं मिला, उनको लाभ मिलता रहा है। और सरकार की योजनाएं आम नागरिक के लिए, आम जन के लिए बनी हुई हैं, वो सब अच्छा सा लागू भी हो रहा है, हम लोग उसको देख भी रहे हैं। नगर पालिका परिषद महाराजगंज में अगर आप हम लोग विचरण करते हैं तो साफ सफाई तो जैसे आपने कहा कि व्यवस्थाएं काफ़ी दुरुस्त हैं, सीनरी और डेकोरेशन और काफ़ी भव्य दिखता है नगर पालिका परिषद, इसको बनाने में कितनी चुनौतियां आईं और किस तरह से आपने काम किया? देखिए, इसको बनाने में मुझे चुनौतियां तो आईं, लेकिन वहीं जो है पब्लिक ने मेरा साथ भी दिया कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, चाहे सड़क का मामला रहा हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला रहा हो, चाहे सुंदरीकरण का मामला रहा हो, पब्लिक भी हमारे कार्यों को सराहना करती है, उनको समर्थन देती है, तो मेरा मन और बढ़ता कि इस अच्छे काम को और ढंग से किया जाए। मैं पहले ही आपसे बता दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पूरा प्रयास करता हूं कि नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को जो भी नगर की सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। जैसे महाराज जनपद में आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि अब तक एक भी पार्क नहीं था यहाँ पे, मैंने पार्क की स्थापना किया, अभी तक यहाँ पे मीट मछली मंडी का कोई मार्केट नहीं था, मैंने उनको बनवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, एक हमारा पार्क और बलिया नाले के पीछे बन रहा है, तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने विकास के कार्य किए, नगर पालिका का अपना स्वयं का कार्यालय बन रहा है, डंपिंग ग्राउंड के लिए मैंने जगह जिलाधिकारी महोदय ने उपलब्ध कराया शासन प्रशासन के निर्देश पे, उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, तो इस तरह के बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो मुझे लगता है कि हमारे 4 साल के कार्यकाल के पहले कुछ था ही नहीं, उसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिरी में एक सवाल और कि हर जनप्रतिनिधि का एज ए जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ता है तो कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, इन 4 सालों में 1 साल का कार्यकाल और बचा हुआ, कौन कौन से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जिसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी देखिए, हमारा जो एक पार्क और बनाने का प्राविधान है, मैंने अपने दिमाग में रखा है एक पार्क और, जैसा इस्टीमेट शासन से जैसा पैसा उपलब्ध होगा उस पर एक पार्क बनाने की योजना है। पूरे नगर वासियों को जो भारत सरकार की योजना थी, हर घर को विद्युत पहुँचाएंगे हम, हर गांव को विद्युत पहुंचाएंगे, गांव में तो पहुंच गया है लेकिन नगरों में थोड़ी समस्या है, अभी बांस बल्ली के सहारे लोग लेकर के जा रहे हैं, उस पर भी हम लोगों ने शासन प्रशासन से अपने नगर क्षेत्र का एस्टिमेट बना करके भेजा गया है, ज्यों ही पैसा आएगा त्यों ही यहाँ पर जो है उसका वो निराकरण हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उसको नगर पालिका अपने स्तर से काम करके उस पर कार्य करेगी लोगों का। आपने हमें समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, हम उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका में ऐसे ही काम होते रहेंगे और फिर किसी जनप्रतिनिधि से या फिर आपसे फिर किसी और विषय पर चर्चा की जाएगी। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर के बारे में आपका क्या विचार है, आप जनप्रतिनिधियों की राय से कितने सहमत हैं और आपका कौन सा सवाल है आप हम तक पहुँचाएं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।